Good morning. So today we are going to start our new lesson. Lesson number 9, born free. Born, हम पैदा हुए free बिल्कुल. हमें कोई किसी भी पिंजरे में या किसी भी केज में नहीं पकड़ के रख सकता. It is for the animals जिनको हम जंगल से पकड़ कर zoo में लेकर जाते हैं या सर्कस में लेकर जाते हैं. सो रीड दीज क्वेश्चंस, डिस्कस द आंसर्स इन ग्रुप ऑफ फोर, और यू कैन डिस्कस विथ योर फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो. हैव यू एवर बीन टू अ zoo और ऑन ए सफारी? आप कभी zoo में चिड़ियाघर गए हैं या किसी सफारी प्लेस में गए हैं जहाँ पर आपने एनिमल्स को ऐसे देखा है? जू में तो पिंजरों में होते हैं, सफारी में भी वो दिखाई बहुत कम देते हैं, हाँ, लेकिन वहाँ पर फिर भी वो आज़ाद होते हैं. विच एनिमल डिड यू सी? आपने वहाँ पर कौन सा एनिमल देखा? इंटीमेट सम ऑफ एनिमल साउंड्स एंड एक्शंस, और आप एक्शंस करिए या उनकी आवाज़ें निकालिए, कैसे कौन सा जानवर बोलता है. वेयर डू यू थिंक एनिमल्स आर हैप्पियर? और टेल, डिस्कस करिए कि जानवर, एनिमल कहाँ पर ज़्यादा खुश रहेगा, इन अ जू और इन अ जंगल. गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स. और क्यों, जंगल में क्यों खुश रहेगा और चिड़ियाघर में, जू में क्यों खुश रहेगा? सो नाउ सी हियर, दिस इज द पिक्चर वेयर डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स आर देयर, बट लेकिन वो कहाँ पर है? उनको केजेस, पिंजरों में बंद किया हुआ है. लॉयन है, जिराफ, एलिफेंट, मंकीज, ज़ेब्रा, और ये एक बहुत ही बड़े राजा हैं जिनकी सोच है कि वो ऐसे सुंदर सा एक चिड़ियाघर बनाए और जानवरों को सुंदर सुंदर पिंजरों में रखें. सो रीडिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो थ्रू द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स. एक्सट्रीमली, वेरी, बहुत ज़्यादा. देन फॉन्ट, टू लाइक अ लॉट, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को पसंद करना. स्वाम्प्स, एरिया डैट हैव वेट सॉफ्ट लैंड, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, दलदली कह सकते हैं, जो एकदम से बहुत ज़्यादा, जब हम फॉरेस्ट के डीप में जाते हैं तो वहाँ पे हमें ऐसी लैंड्स मिलती हैं. केजेस, पिंजरे, जो चारों तरफ से साइड्स बार्स के साथ होते हैं या वायर्स के साथ हैं, जिसके अंदर हम बर्ड्स को और एनिमल्स को रखते हैं. डिलाइटेड, वेरी हैप्पी, बहुत खुश होना. मिजरेबल, वेरी सैड. इन्विटेशन, किसी का हमको नौता आना या बुलाना. टू आस्क, ए रिक्वेस्ट समवन टू कम टू एन इवेंट, इन्विटेशन देना. देन डेंस, वेरी डीप, बहुत घना. ग्लेड्स, ग्रासलैंड्स, पूरा ग्रास, जहाँ पे पूरा ग्रास ही, जहाँ घास ही घास हो, पूरा जंगल में जब घर, जितना हम डीप जाते हैं वह उतना ज़्यादा ही हमें ग्रासी ग्रासी पूरी बड़ी बड़ी घास मिलती है. चेंज ऑफ द हार्ट, चेंज द वे यू फील अबाउट समथिंग, एकदम से चेंज, अपने आप को बदलना, जैसे आपका दिल कहे. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लेसन. वंस देयर वॉज ए किंग हु वॉज एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ एनिमल्स. एक राजा था जिसको जानवरों से बहुत प्यार था, बहुत फॉन्ड ऑफ था. ही लव्स के मेरे पास तरह तरह के जानवर हो. वन डे ही डिसाइडेड टू मेक अ जू फॉर देम. एक दिन उसने ऐसे ही सोचा कि मैं उनके लिए एक बहुत सुंदर सा चिड़ियाघर बनाता हूँ. दिस वे आई कैन सी मैनी एनिमल्स एनी टाइम आई वॉन्ट टू, ही थॉट टू हिमसेल्फ. और अपने आप में ही सोचने लगा कि फिर मैं उनको कभी भी, जब मेरा दिल करेगा, मैं उनको देख सकता हूँ. ही कॉल्ड ऑल हिज मिनिस्टर्स टुगेदर एंड टोल्ड देम टू ब्रिंक एनिमल्स ऑफ एवरी काइंड फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड जंगल स्वैम्प्स, दलदल भूमि से स्वैम्प्स. सो उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और उन सबको इकट्ठा किया और बोला कि तुम जाओ जंगल में, फॉरेस्ट में, जहाँ भी हो, तुम्हें कोई डिफरेंट डिफरेंट तरह के एनिमल्स को पकड़ के लाना है. सो ही क्रिएटेड ए ब्यूटिफुल गार्डन, और उसने एक बहुत सुंदर सा गार्डन बनाया. राइट अबव द हिल्स द प्लेस्ड एंड प्लेस्ड, और वहाँ पे उसने प्रिटी प्रिटी बहुत सुंदर सुंदर केजेस रखे, पिंजरे रखे. द किंग वॉज डिलाइटेड, ही वॉज वेरी हैप्पी टू सी हिज जू, और वो बहुत डिलाइट, बहुत खुश था कि कब वो पूरा होगा और मैं उसको देखूंगा. बट
एनिमल्स लिविंग इन इट वर वेरी मिजरेबल, लेकिन जो वहां पे एनिमल्स थे ला के उसने जंगल से रखे थे वो बहुत अनहैप्पी थे, बहुत उदास थे, उनको कोई खुशी नहीं थी कि उनको इतने अच्छे सुंदर पिंजरे मिले हैं, इतना सुंदर बगीचा मिला है. दे वर नॉट एट ऑल हैप्पी ओवर देयर. सो फिर दे हेटेड हैविंग फूड ब्रॉट टू दैम इंसिस्ट ऑफ हंटिंग फॉर इट दैम सेल्फ. उनको वो जो खाना भी दिया जाता था दे हेट, उनको वो अच्छा नहीं लगता था. दे हेट टू ईट इट. जो भी खाना उनको दिया जाता था उनको कैसे खाना पसंद था, अपने आप शिकार करके खाना उनको बहुत पसंद था. दे ऑल्सो हेटेड हैविंग वाटर ब्रॉट टू दैम इन वाटर पॉट्स इंस्टेड ऑफ ड्रिंकिंग इट फ्रॉम द डीप फॉरेस्ट पूल्स. उनको वो पानी भी नहीं पसंद था जो उनके लिए लाया जाता था. उनको कौन सा पानी पसंद था, उनको पानी वो पसंद था जो वो खुद जाके जब उनका मन किया, जब उनको प्यास लगी तो वो जाके नदी के किनारे या वहाँ जो झरने हैं वहाँ पर जाके वो खुद पिए. वन डे द किंग रिसीव्ड एन इनविटेशन. एक दिन जो वो राजा था जिसने इतना सुंदर अपने घर वहाँ पे महल में बगीचे में ये पिंजरों से जू बनाया था, उसको एक इनविटेशन आया एक टू कैंप इन द जंगल बाय द नेबरहुड किंगडम. उसके पड़ोसी देश से उसको इनविटेशन आया, उसको इनवाइट किया गया, वहाँ पे उसको बुलाया गया कि आप आइए और जंगल में हम एक बहुत बड़ा कैंप लगा रहे हैं, आप हमारे साथ आके उसका एक्सपीरियंस लीजिए, उसका लुफ्त लीजिए, उसका मज़ा लीजिए. द किंग लिव्ड इन द कैंप फॉर 3 मंथ्स. जब वो राजा वहाँ गया तो उस कैंप में वो 3 महीने रहा. एवरी डे ही वेंट इन टू द डेंस फॉरेस्ट, वेरी डीप जाता था. डेंस बहुत घना, बहुत गहराई में, बहुत अंदर तक वो फॉरेस्ट में जाता था. एट लास्ट व्हेन द टाइम केम फॉर द किंग टू रिटर्न टू हिज किंगडम ही ग्रू एक्सट्रीमली सैड. जैसे उसका वापस जाने का टाइम आया अपनी किंगडम पे तो किंग बहुत उदास हो गया. वन ऑफ हिज मिनिस्टर्स आस्क्ड व्हाई ही वाज सैड. एक उसके ही मंत्री ने उससे पूछा कि आप राजा क्यों उदास हो गए हो. द किंग आंसर्ड आई हैव लर्न टू लव अ ब्यूटिफुल फॉरेस्ट एंड जंगल्स एंड देयर डीप ग्लेड्स शेडी पाथ्स एंड वाटर पूल्स. वहाँ रहकर उसने क्या सीखा, बोला कि मैंने यहाँ पर रहकर प्यार, उसकी सुंदरता, जो जंगल की, जो फॉरेस्ट की सुंदरता है वो सीखी है. वो कैसे वाटर पूल्स है, कैसे जानवर वहाँ पे रहते हैं, कैसे दे ऑल आर वेरी हैप्पी. द मूनलिट नाइट्स आर नेवर सो लवली इन द कंट्री एज दे आर इन द जंगल. जंगल में इतना सुंदर जो वातावरण है, जो इतना मूनलाइट की भी चांदनी है, जो चांदनी रात है, जो सब एक वहाँ उस शहर में, उस कंट्री में मुझे कहीं नहीं दिखा. आई एम सैड डैट आई मस्ट लीव इट ऑल एंड रिटर्न. मेरा मन उदास इसलिए है कि आई मस्ट लीव, मैं वापस से सब कुछ लीव कर कर वापस यहाँ पे आ जाऊँ. आई नाउ वंडर हाउ सैड मस्ट द एनिमल्स बी फॉर दिस देयर होम एंड इन माई वंडरफुल जू दे आर ओनली प्रिजनर्स. प्रिजनर्स कैदी हैं. उसको तब इस चीज़ का पता लगता है, वो तब सोचता है कि जो एनिमल्स जिनको मैंने इतना सुंदर घर दिया, सब दिया, लेकिन वो वहाँ उसको अपना घर नहीं बांधते हैं, उसको एक पिंजरा बांधते हैं. वो वहाँ पे अपने आप को एक कैदी समझते हैं, इसीलिए वो लोग वहाँ पे जो एनिमल्स हैं दे आर नॉट एट ऑल हैप्पी. द किंग हैड ए चेंज ऑफ हार्ट. और किंग का जो मन था, जो दिल था, वो बिल्कुल बदल गया, वो बिल्कुल चेंज हो गया. और उसने क्या बोला, ही आस्क्ड हिज मिनिस्टर्स टू हैव ऑल द एनिमल्स सेंट होम राइट अवे टू देयर फॉरेस्ट जंगल्स और स्वैम्प्स. आई विल हैव नो मोर प्रिजनर्स ही डिसाइडेड. और उसने उसी टाइम अपने मंत्रियों को क्या आदेश दिया कि आप लोग उन सब जानवरों को फ्री कर दो, आज़ाद कर दो, उनको आप जहाँ से लाए हो आप उनको वहाँ वापस छोड़ो. मैं अपने महल में, अपने बगीचे में ऐसा कोई प्रिजनर, ऐसा कोई कैदी रखना पसंद नहीं करूँगा. सो उसने जितने भी एनिमल्स थे, जितनी भी बर्ड्स थी, उन सबको फ्री कर दिया, आजाद कर दिया. तो इस लेसन का मतलब बॉर्न फ्री. सो वी आर बॉर्न फ्री.
हम आजाद हैं तो इसलिए हमें कोई भी कैद नहीं कर सकता। वो बर्ड्स हो बेशक, वो एनिमल्स हो, तो हमें किसी को भी प्रिजन में, पिंजरों में बंद करके नहीं रखना चाहिए। होप आपको ये लेसन अच्छा लगा। यू एंजॉयड दिस लेसन, सो थैंक यू। वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो।